डूब जल गया है पूरा। जहाँ पर दोस्तों हम लोग खाना उना पकाते थे, और दोस्तों यहीं पर इतना धूप। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। तो गाइस आज काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है यार, देख सकते हो। मैं आज जैसे ही मैं सुबह सुबह आया दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं पहुँचा तो दोस्तों हैरान हो गए। यहाँ पर देख सकते हो हाथियों ने पूरा हमारा धान का फसल लगाए थे, देख सकते हो। अभी गर्मी सीजन में पूरा देखो सबको खा दिए हैं यार, ये देखो पूरा यहाँ पर सबको घुलन घुलन कर खा दिए हैं पूरे। यहाँ से उधर तक खाते खाते पूरा वो तो दिख रहा है ऊपर वाला खेत पूरा, उसको भी खा दिए हैं, प्लस इधर इधर भी पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा खा दिए हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो कितना ज़्यादा नुकसान किए हैं यार, ये देखो। हम लोग अभी एक हफ्ता से हम लोग धान कटाई कर रहे थे दोस्तों, ज़्यादा आदमी नहीं है, 4-5 जने हैं। तो दोस्तों पूरा दिन भर इतनी धूप में, जेठ के कड़कते इस धूप में आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा धूप लगता है। और दोस्तों इस धूप में हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और दोस्तों हाथियों ने यहाँ आकर के दोस्तों पूरा तबाही मचा दिया, देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों धान को देख करके काफी ज्यादा रोना आ रहा है यार, देखो दोस्तों पूरा घास में इसको वो कर दिए हैं, मतलब देख सकते हो। इधर से खाते खाते गए हैं उधर, इधर को तो क्या ही बोले, मतलब ये देखो पूरा यहाँ से पूरा उधर जितने भी दूर दिख रहा है सब जगह को खा दिए हैं, और यहाँ में जितने भी बीड़ा था सबको खा दिए। ये देखो दोस्तों किस तरह से हाथियों ने पूरा ख़त्म कर दिए हैं, ये देखो पूरा देख सकते हो इधर, ये देखो पूरा इधर को देखो, इधर पूरा देखो एक ठो धान नहीं बचा है पूरा, इधर देख सकते हो यहाँ पर बीड़ा बीड़ा था पूरा ख़त्म, चौपट कर दिए हैं। यहाँ पर देखो उधर गड्ढे में भी गिरा दिए हैं पूरा, ये देखो पूरा यहाँ पर। तो चलिए आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और दोस्तों आपको दिखाता हूँ हमारे पूरा धान को दिखाता हूँ कि किस तरह से नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ पर हुआ था। दोस्तों यहाँ पर एक ठो उपका है, हम लोग उपका बोलते हैं जहाँ पर पानी निकलता है, उसको ही पूरा धंस गया है, मतलब कि पूरा पानी निकलता है सबको शायद बंद कर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है यार। दोस्तों गाँव में आप लोग देखोगे तो दोस्तों धान पर ही लोग निर्भर रहते हैं, गाँव के गरीब लोग जैसे कि हम लोग, दोस्तों धान के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों, इसी पर हम लोग अपना जीवन यापन आप समझ सकते हो, इसी से पैसा इसी में हमारा सब कुछ होता है यार। तो दोस्तों देख सकते हो यार पूरा धान को, इधर देखो कुछ भी बचा है, कुछ नहीं बचा, इधर देखो पूरा एक दो ठो बचा है, इधर बीड़ा का हालात देख सकते हो, इधर यहाँ देख सकते हो दोस्तों पूरा खाते खाते इधर पूरा, ये देखो इधर देखो दोस्तों यहाँ पर मस्त धान था, ये देखो इधर पूरे इधर बहुत बढ़िया धान था दोस्तों, ये देखो इसको कल ही कटाई किए थे पूरा इधर, और देख सकते हो पूरा नुकसान कर दिए यार, ये देख सकते हो। और घर वाले उधर हैं, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, मैं अकेला यहाँ पर हूँ, बाकी लोग रो भी रहे थे कि इतने मेहनत से हम लोग कमाए थे और ये सब हो गया। पूरा हमारा लारी था जो झोपड़ी था उधर, उसको भी तोड़ कर दोस्तों वहाँ पर महुआ उहा बीने थे, दो तीन हाँ एक दो हफ्ता का महुआ था पूरा ख़त्म, प्लस दोस्तों क्या बताऊँ यार चापट कर दिए। और ये देखो दादाजी आए थे यहाँ पर, और ये देखो किस तरह खाते हैं हाथी लोग, ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ पर पानी निकलता है उसको दिखाता हूँ दोस्तों किस तरह क्या कर दिए हैं, चलो दिखाता हूँ उसको। सबसे पहले दोस्तों मैं सही में यार 2-3 दिनों से मैं इतना दर्द में हूँ, ये देख सकते हो मेरा दांत भी काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था, इसलिए दोस्तों मैं कल सही ढंग से खेत की तरफ नहीं आ पाया था, इसलिए दोस्तों क्या बताऊँ यार। और इधर देखो इधर पानी निकलता है, ये देखो उपका बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पर धान को रखे थे, बहुत धान को यहाँ पर रखे थे पूरे, ये देखो पूरा ये कीचड़ में पूरा दबा दिए हैं, ये इधर देख सकते हो, ये देखो पूरा, ये देखो दोस्तों एक ठो यहाँ पर बचा हुआ है, ये भी पानी में गिरा था लेकिन अभी उठा करके यहाँ पर रख दिए हैं, ये देखो दोस्तों
सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों जितना भी नुकसान होता है, सही में यार जितना भी नुकसान होता है हाथों द्वारा जो भी नुकसान होता है उसको सही ढंग से पैसा दें यार, ताकि दोस्तों हम जैसे गरीब फैमिली को, हम जैसे गरीब परिवार को दोस्तों थोड़ा सा तो राहत मिले दोस्तों। इसलिए मैं सरकार से भी थोड़ा बहुत मिन्नतें करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि दोस्तों हमारी बातों को सुने और दोस्तों हमें उसका राहत है तो कुछ पैसा वैसा मिलता है जो भी मिलता है उसको दें, ताकि दोस्तों हमें भी कुछ ये देख सकते हो। दोस्तों हमें 10,000-20,000 भले ही ना मिले, लेकिन दोस्तों एक बीड़ा धान यदि नुकसान होता है तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है यार। हालांकि एक बीड़ा की कीमत 20-30 रुपये होगा ये वाला, लेकिन दोस्तों हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द लगता है यार, भाई क्या ही बोलूँ। बाकी इधर का धान अभी नहीं हो पाया है, पूरा कच्चा है ये देख सकते हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो इस तरह से हमारा लाड़ उजड़ गया है पूरा, जहाँ पर दोस्तों हम लोग खाना उना पकाते थे और दोस्तों यहीं पर इतना धूप में रहते थे, पूरा उजाड़ दिए हैं यार ये देखो पूरा। और इसमें दोस्तों 10-15 किलो मौगा भी था, उसको भी खा दिए, और दोस्तों बर्तन कपड़ा वगैरह था, कुर्ता वगैरह था, उसको भी खा दिया हाथ। तो इस तरह से दोस्तों पूरा तहस नहस कर देता है यार। और इधर बाकी धान दिखता है वो भी पता नहीं बचेगा कि नहीं कोई। तो गाइस दिन भर गर्मी में काम कर करके थक गए और दोस्तों फाइनली अभी छांव में बैठे हैं, ये देख सकते हो ये अभी आम लाई है और ये आम मुड़ा रही है, देखो खोइला करना है। तो दोस्तों दुख तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बट दोस्तों चलिए आज के वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।